दिया है एक बहुपद, तो इसको लिख देते हैं पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। मतलब इससे जब इसमें भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको x प्लस वन बराबर जीरो रखना होगा, x का मान यहाँ से माइनस वन और ये यहाँ रख देंगे, और p माइनस वन का वैल्यू निकालिए क्या आता है, वही उसका शेषफल हो जाएगा। माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन और प्लस का वन। देखिए यहाँ पे तो माइनस का वन आ जाएगा, क्यूब है तो ये प्लस का होगा तो थ्री आ जाएगा, ये माइनस थ्री और ये प्लस वन। देखिए वन से वन गया, थ्री से थ्री गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो प्राप्त हो रहा है। उसी तरह इसका सेकेंड भी है, सेकेंड के लिए भी उसी तरह करेंगे।